आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 30 देखते हैं। पहला चरण ले ली की मात्रा छोटी है, ले ली ह है आधा, ले ली य से य ह आधा है य के साथ य ले ली य से ग्र ग्र का अर्थ हुआ ग आधा और सब ग आधा र पूरा। इसको राइट साइड में ब्लॉक में दिखा रखा है। स में अमिक्स करेंगे ग्रस मान, न में भी अमिक्स किया ग्रस मान, अ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे ह ग्रस मान ह, स में अ की मात्रा मिक्स की स, म के साथ आधा न समन, ता के साथ आधा ल समंताल। पहला चरण रिपीट ली ली य से ठीक है, ह य से नहीं करना है, ह आधा लीली यसी ग्रसमानः समंताल। दूसरा चरण लोका के साथ आधा न लोकान, सम दुनक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे सम, ग्रा का अर्थ हुआ ग आधा और र पूरे पे आ की मात्रा, ग्रा के साथ आधा न समग्रान, वद दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे वद नई न पे दो मात्रा नई नई के साथ आधा रहा वद नई, ज आधा व पूरी के साथ ज्व, ल के साथ आधा द ज्वलद भी, ई की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे ही ज्वलद ज्वलल सॉरी ज्वल ज्वलद भी ही। दूसरा चरण रिपीट लोकान समग्रान वदनै ज्वलद भी। पहला और दूसरा चरण साथ में लीली यसीग्र समानः समंताल, लोकान समग्रान वदनै ज्वलद्भिः। तीसरा चरण तेजो भी मात्रा छोटी है लंबा नहीं खींचना, रा पू की मात्रा बड़ी उसके साथ में य पे आधे र की जो मात्रा है उसको पू के साथ पढ़ना है पूर, और य में अमिक्स करना है पूर्य, तेजो भी रा पूर्य, ज में अमिक्स करेंगे ज, ग के साथ आधा था जगत, सम दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करना है सम, ग्रह का अर्थ हुआ ग आधा र पूरा और शब्द पुराने के बाद ग्रह पे अनुस्वार आधा म समग्रम। तीसरा चरण रिपीट तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम। चौथा चरण भासस स पूरी के साथ आधा से भासस, तमी अमिक्स करेंगे तब वो ग्रह ग आधा और र पूरे पे आ की मात्रा से विसर्ग को पढ़ेंगे हा, तब वो ग्रह प्रत दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे प्रत, प के बाद मात्रा के अंदर का आधा न प्रत पंती, वी के साथ आधा श विष्णु। चौथा चरण रिपीट भास तब ग्रह प्रत पंति विष्णु। तीसरा और चौथा चरण साथ में तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम भास तब ग्रह प्रतपंति विष्णु। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ लीली यसीग्रसमानः समंताल लोकान समग्रान वदनै ज्वलद्भिः तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तव ग्रह प्रतपंति विष्णु। वापस लीली यसीग्रसमानः समंताल लोकान समग्रान वदनै ज्वलद्भिः तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तव ग्रह प्रतपन्ते विष्णु। देखते हैं श्लोक का अर्थ लेली यसे, लेली यसे यानी बार बार चाट रहे हैं, ग्रसमानः ग्रसन करते हुए मतलब खाते हुए, समंताल ये यहाँ पर कैसे शब्द बनेंगे समंताल और समंतात फिर लोकान, समंतात का हो गया सब ओर से, लोकान यानी लोकों का, समग्रान यानी संपूर्ण, समग्रान वद नई इसमें आधा र नई के बाद का विसर्ग हटेगा तो बनेगा तो वद नई यानी मुखों द्वारा, ज्वलद भी यानी जो प्रज्वलित है देदीप्यमान है, तेजो भी रा पूर्य इसमें कैसे आएगा तेजो भी
और रा पूर्य से कैसे बनेगा, तेजो भी, और र जो है वो भी के बाद का विसर्ग कटेगा इसलिए बन गया, और र में जो आ की मात्रा आ पूर्य एक शब्द बन जाएगा, तेजो भी यानी अपने तेज से, आपूर्य यानी परिपूर्ण करके, जगत समग्रम, समग्र यानी संपूर्ण जगत यानी संसार, प्रभासस तवो ग्रह आदा स विसर्ग को हटाने पर आएगा तो भास यानी प्रकाश, तवो ग्रह तव धन उग्र, तव यानी आपका, उग्र यानी उग्र, तवो ग्रह प्रतपंती विष्णु, प्रतपंती कर तपा रहा है विष्णु भगवान के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया है कि हे विष्णु आप अपने प्रज्वलित मुख द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। आप कोई चीज खाते हो तो उसे जीभ से बार बार चाटते ना, इसके लिए अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि विष्णु आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है, कि आपका इतना तेज है कि सब जगह पर उजाला तो है लेकिन सब तप भी रहे हैं। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, नारायण नारायण नारायण।